हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास नाइन्थ का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में। ये एनसीईआरटी से है। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.5 के परिचय, ठीक है? आज हम लोग परिचय करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। तो परिचय अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो क्वेश्चन को खुद से हिला पाएंगे, ठीक है? तो चलिए ध्यान से आइए, एकदम मजा आने वाला है आज क्लास में। देखते रहिए, दिल थाम के बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं परिचय। तो सबसे पहले ये होता है कि रूट के अंदर जोड़ घटाओ गुना भाग, इसको सीखते हैं। आइए ध्यान से। तो रूट के अंदर जोड़ घटाओ, ये चीज रख लीजिए पहले, सबसे पहले जोड़ घटाओ, जोड़ एवं घटाओ। ठीक है, ध्यान से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रूट के अंदर सुनिएगा, बात को फॉलो कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। रूट के अंदर अगर एक रंग संख्या है तो जुटेगा और घटेगा, अगर एक रंग संख्या नहीं है तो ना जुटेगा ना ही घटेगा। सुनिए आइए, अगर रूट दो है और यहां भी रूट दो है तो रूट दो और रूट दो जुड़ेगा तो रूट चार होगा? नहीं, रूट दो और रूट दो, रूट दो कहां वो है? पहले तो देखिए कि रूट के अंदर एक रंग है, लेकिन रूट के अंदर एक रंग है, यहां भी रूट के अंदर दो है, यहां भी रूट के अंदर दो है, तो ये जुटेगा। जोड़ का चाहे साइन है तो जुटेगा, ध्यान से फिर लीजिएगा। तो रूट दू को अगर जोड़ते हैं तो एक और रूट दू बाहर ना कुछ देगा ना भाई, बाहर ना कुछ देगा ना, तो बाहर वाला बाहर के साथ और रूट के अंदर सेम रह जाएगा। जैसे x और x जोड़ते हैं तो दू x, तो एक और रूट दू, एक और रूट दू, तो क्या रूट दू? दू गो रूट दू, कोई दिक्कत? अब देखिए रूट तीन और प्लस में रूट तीन जोड़ेंगे, एक और रूट तीन, दू गो एक और रूट तीन, एक और एक और दू गो रूट तीन। मान लीजिए कि दो रूट सात प्लस पांच रूट सात, अभी रूट के सा रूट सात है, ये भी रूट सात है, तो दो और पांच सात रूट सात, जुटेगा ना? अगर यही रह जाए रूट दो प्लस दो रूट दो, ये रूट दो, ये दो रूट दो, तो बताइए कितना होगा? ये रूट दो का गो, ये रूट दो का गो, दो गो, ये रूट दो का गो, एक गो, तो एक गो और दो गो, तीन गो रूट दो। रूट के अंदर की संख्या जोड़ घटाव नहीं होता है, बाहर की संख्या को हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है? ये एक तरह से अलजेब्रा के नियम पर चलता है। आगे देखिए, सुनिए ध्यान, फिर लीजिए थोड़ा, फिर लीजिए। अगर रूट तीन जोड़ने को कहे और रूट दो, तो कितना जोड़िएगा? रूट पांच, नहीं ये नहीं जुटेगा, यही फॉर्म में रह जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर एक रंग संख्या नहीं है ना। ये देखिए आप लोग, एक दो तीन चार पांच छ, अगर रूट दो रूट सात है, माइनस में रूट सात है तो घटेगा, एकदम घटेगा, क्योंकि रूट के अंदर सात है, यहां भी रूट के अंदर सात है, रूट के अंदर सात है, रूट के अंदर सात है, तो ये रूट सात का वो दो गो, ये रूट सात का वो एक गो, तो दो गो में से हो गया तो एक गो रूट सात, एक छिपा रहता है, एक छिपा रहता है, ठीक है? आइए मान लीजिए कि पांच रूट तीन माइनस आठ रूट तीन, ये घटेगा, घटेगा कि नहीं? घटेगा, क्योंकि देख लेना है कि रूट के अंदर क्या है, यो में रूट के अंदर तीन, यो में रूट के अंदर तीन, एकदम घटेगा ना। तो ये पांच को है, ये आठ को है, ये रूट तीन पांच को है, रूट तीन आठ को, फिर लीजिए। अगर एक्सरसाइज को हिलाना है बढ़िया से, खुद से करना है तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिए, देखिए ध्यान से। अब पांच में से अगर आठ घटाएंगे तो माइनस में तीन होगा, माइनस में तीन रूट तीन, रूट के अंदर वाला जुड़ता है नहीं, वही रह जाता है। तो वही क्वेश्चन आ जाए कि दो रूट तीन माइनस तीन रूट दो, घटा पाइएगा इसको? दो में से तीन, यानी कि यहां देखिए रूट के अंदर तीन है, यहाँ रूट के अंदर दो है, नहीं घटेगा, ना घटेगा, ठीक है? समझ में आ गया। आइए अब गुणा एवं भाग, गुणा एवं भाग। अब इसमें गुणा भाग किसी भी संख्या से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रूल है इसमें, रूट के अंदर अगर एक रंग रहेगा, आइए समझते हैं, फिर लीजिए। अगर रूट दो को, अगर रूट दो को गुणा करेंगे तो कितना होगा? रूट दो और रूट दो को गुणा करेंगे तो रूट चार, रूट चार का वर्गमूल होता है, होता है, तो कितना? दो। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं रूट तीन गुना रूट तीन, तो हो जाएगा तीन। क्यों हुआ तीन? तो रूट तीन गुना करवा तो रूट नौ हो जाएगा, और रूट नौ का वर्गमूल तीन हो जाएगा, तो डायरेक्ट तीन लिख सकते हैं। नहीं तो एक और चीज, अगर एक्स को एक्स से गुना कर दे क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, होता कि नहीं होता है? दो को दो से गुना कर दो का स्क्वायर लिखते हैं, तो रूट तीन को गुना करेंगे तो रूट तीन का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, बच गया तीन,
फिराया ना किसी को समझाने के लिए, कोई कहा है रूट पांच बताओ, कहिएगा पांच कैसे, कहिएगा पांच कैसे, कह रहे रूट पांच होता है रूट पच्चीस, गुना करेंगे तो रूट पांच पच्चीस का वर्गमूल पांच, कहेगा नहीं समझ में आया, सुन तो ऐसे समझाना, रूट पांच को हम लोग दो बार है तो इसको कह सकते हैं रूट पांच का होल स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो क्या पांच के पांच बच गया, समझना, चलिए तो एक रंग लेना, आइए रूट दो को एक सवाल दो हो गया, ये तो वही तीन, ये वही था ये वाला, रूट दो को अगर रूट तीन से गुना करना पड़े तो रूट दो को रूट तीन से करेंगे तो डायरेक्ट रूट छ वर्गमूल होगा इसका, नहीं होगा, रूट अगर पांच से गुना करेंगे रूट सात में तो डायरेक्ट रूट पैंतीस, सात पचे पैंतीस, यही ना होगा, हो आइए और लेते हैं सवाल, दो रूट तीन गुना तीन रूट दो, आइए सवाल क्या छ, दो रूट तीन गुना तीन रूट दो कैसे करेंगे उसको, कैसे करेंगे, रूट के बाहर वाला से गुना करेगा, रूट के अंदर वाला से गुना करेगा, क्या रूट के बाहर यहाँ तीन है, रूट के बाहर यहाँ दो है, तो दो ती आए छ, आई हो रूट के अंदर तीन है रूट के अंदर दो है तो दो ती आई हो रूट में छ, आई अगला रूट सात गुना दो रूट पांच, बाहर वाला से रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना करेगा तो बाहर यहाँ क्या है एक, यहाँ बाहर क्या है दो, तो दो एकम दो, और रूट के अंदर पांच, और रूट के अंदर सात, और रूट के अंदर पांच, क्या आ जाएगा रूट सात पचे पैंतीस, लाइट कर चुका है, ठीक है थोड़ा क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा लेकिन नहीं, चलिए देख लेते हैं एक मिनट चलिए आगे देखा जाए थोड़ा ध्यान से, ये क्या है हम लोग उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब सुनिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, रूट तीन गुना तीन रूट दो, अब देखिए बाहर इसे कुछ है नहीं ना एक है, तो बाहर इसके एक है और इसके बाहर रूट तीन है, इसके बाहर तीन है तो एक और तीन को गुना करेंगे तो तीन, और अंदर रूट तीन है और इसके अंदर दो है, रूट के अंदर तीन रूट के अंदर दो, तो रूट के अंदर वाला अंदर वाला गुना होगा तीन गुना छ, समझ में आया बढ़िया से एकदम मजे से, आइए थोड़ा क्वालिटी में समझ रहे ना बात को, ठीक है आएगा लाइन में समझ लीजिए, अगर दो रूट तीन को गुना करेंगे पांच रूट तीन से तो बाहर वाला बाहर से और अंदर वाला अंदर से तो दो पंचे दस, और रूट तीन को रूट तीन से तो रूट नौ, सही है नहीं है सही, क्यों नहीं सही है क्योंकि तो रूट तीन से रूट तीन को गुना करेंगे तो तीन नौ हो जाएगा, अरे भाई क्या हो जाएगा तीन, तो दस तिहाई हो गया तीस, क्या हो गया तीन, आइए एक और सवाल, रूट पांच गुना दो रूट पांच, तो यहां क्या है एक बाहर, यहां बाहर क्या है दो, तो एक दूना दो और रूट पांच गुना करेंगे क्योंकि तो बाहर वाला बाहर से अंदर वाला अंदर से तो हो जाएगा पांच, यानी दो पंचे दस, समझ में आया बढ़िया से, ये भाग भी इसी प्रकार रूट पच्चीस भागा रूट पांच, तो पच्चीस पचा पच्चीस तो पांच रूट पांच ना, रूट पांच पचा पच्चीस ना होगा, अगर पंद्रह रूट पच्चीस है भागा अगर तीन रूट पांच है तो बाहर वाला को बाहर से भाग दीजिए, तो तीन पचे पंद्रह पांच और पचा पच्चीस पांच रूट पांच, कोई दिक्कत समझ में आया बढ़िया से, ये समझ में आ गया बढ़िया से आप लोगों को, तो इसको क्या करना है नोट करना है, तब तक हम लाइट को देखते हैं, ठीक है पॉज करके इसको नोट कीजिए, तो चलिए लाइट आ गया है, देखिए ध्यान से थोड़ा आगे क्या है, आप लोगों को जोड़ घटाओ गुणा भाग समझ में आया ना भाई, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से छोटा वीडियो बनाएंगे और विस्तार से समझाएंगे उसको, ठीक है तो चलिए आज हम अगला देखते हैं टॉपिक, कुछ फॉर्मूला इसमें लग रहा है, फॉर्मूला क्या क्या लगता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला लग सकता है इसमें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गुना करते हैं इसको तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है तो करें कुछ सवाल इस पर, तब करेंगे हम लोग हरों का परिमेयकरण, ठीक है चलिए, जैसे मान लीजिए रूट सात प्लस रूट तीन है इसका होल स्क्वायर, पहला सवाल
रूट सात और रूट तीन जुटेगा नहीं जुटेगा। अगर यहाँ रूट सात रहता और यहाँ दो रूट सात रहता होल स्क्वायर रहता तो एगो रूट सात है दू गो तो तीन गो रूट सात होल स्क्वायर करते तो क्या करते तीन का स्क्वायर नौ और रूट सात का स्क्वायर सात, रूट सात का स्क्वायर सात है ना होता तो नौ से तो तिरसठ, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ तो जुटने वाला है नहीं रूट सात रूट तीन, तो यहाँ इसको मान लेंगे हम लोग ए इसको मान लेंगे बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सवाल किए होंगे ना किए कि नहीं किए एट में सेवन में, आइए हम लोग करते हैं नहीं किए हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूट्यूब पे टाइप कीजिए देख के आइए बढ़िया से कराए सवाल सब। आइए तो ए पहले क्या होता है इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे, लिखे ए बराबर रूट सात बी बराबर रूट तीन, फॉर्मूला ये होता है बैठाइए ए स्क्वायर ए के मान रूट सात का स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर बी के मान रूट तीन का स्क्वायर प्लस के प्लस दू का दू लिखिए दू ए बी इसके बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुना ए ए के मान कितना है रूट सात बी है बी के मान कितना है रूट तीन है ना होगा, अब कहिए आप गुना का साइन दिए तो भाई दू ए बी के साथ बीच में कोई साइन नहीं है इसलिए हम लोग गुना का साइन दिए। आइए रूट सात का स्क्वायर मतलब रूट सात स्क्वायर से रूट ना खत्म हो जाता है या रूट सात को रूट सात से गुना करेंगे तो रूट उनचास होगा उनचास का वर्गमूल सात, समझ आया ना रूट सात को रूट सात से गुना करेंगे तो कितना होगा सात, तो ये हो गया सात और रूट तीन को रूट तीन से गुना करेंगे तो तीन। अब देखिए ई गुना करना है तो बाहर वाला हम क्या बताए गुना में अभी बाहर वाला बाहर से अंदर वाला अंदर से गुना करना है ठीक है, तो देखिए थोड़ा ध्यान से अब ये इसके बाहर एक है इसके बाहर एक है दो एकम दो एकम दो तो दो हो गया और रूट के अंदर कितना है सात और रूट तीन तो सात ही आए इक्कीस ये हो गया इससे जुड़ जाएगा ये तो एक जाति का है तीन सात हो जाएगा आपका दस प्लस दो रूट इक्कीस, समझ में आया बढ़िया से। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं दूसरा रूट पांच प्लस रूट दो इसका होल स्क्वायर, ये तो आप लोग कर लिए कर रहे होंगे कर लेंगे इसको ए बराबर रूट पांच बी बराबर रूट दो क्या यही ना है, देखिए अब करते हैं तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर देखिए ए बराबर रूट पांच है रूट पांच का स्क्वायर प्लस का प्लस बी स्क्वायर बी के मान रूट दो का स्क्वायर प्लस के प्लस दो गुना ए ए ए के मान रूट पांच गुना बी के मान रूट दो। अब देखिए रूट पांच का स्क्वायर बताइए तो कितना होगा पांच रूट दो का स्क्वायर दो इसको गुना कीजिए तो दो का दो बाहर हो जाएगा रूट के अंदर क्या है रूट दो रूट पांच तो दो पंचे दस ये तो जुड़ जाएगा सात और प्लस दो रूट दस। आइए उस सवाल टॉपिक चेंज करते हैं अगला सवाल लेते हैं ये रूट सात प्लस रूट पांच रूट सात माइनस रूट पांच ये सवाल है, अब देखिए इसको गुना करना है क्या करना है इसको गुना करना है गुना करके भी ला सकते हैं आप इससे दोनों में गुना कर दीजिए फिर इससे दोनों में गुना कर दीजिए, लेकिन यहां दिख रहा है कि इसमें भी रूट सात इसमें भी रूट सात इसमें भी रूट पांच इसमें भी रूट पांच है कि नहीं, लेकिन इसमें प्लस इसमें माइनस है देखा जाए यहाँ पे इसमें भी ए इसमें भी ए इसमें बी इसमें बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता ना, तो क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना लिख देंगे रूट सात का स्क्वायर माइनस रूट पांच का स्क्वायर, आगे लिख दीजिएगा चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ठीक है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अरे ए बराबर रूट सात बी बराबर रूट पांच बात तो बराबर है दोनों में वही ना तो रूट सात का स्क्वायर माइनस रूट पांच का स्क्वायर तो रूट सात का स्क्वायर कितना होता है सात रूट पांच का स्क्वायर पांच तो सात में से पांच किया दो है ना आसान है कि नहीं आसान। आइए सवाल और पूछो रूट ग्यारह माइनस रूट सात और रूट ग्यारह प्लस रूट सात, आइए क्या सवाल पूछे चौथा देखिए इसमें भी रूट ग्यारह रूट सात इसमें भी रूट ग्यारह रूट सात रूट ग्यारह रूट सात रूट ग्यारह लेकिन इसमें माइनस इसमें प्लस फॉर्मूला यही लगेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या करेंगे हम लोग वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का यही रहता फॉर्मूला गुणों कर लीजिए ना आप लोग रूट ग्यारह का स्क्वायर ग्यारह रूट सात का स्क्वायर सात कितना हो गया चार गुना करके बता दिया जाए देखिए रूट ग्यारह से गुना का आइए गुना करके बता दें इसी को रूट ग्यारह माइनस रूट सात इंटू रूट ग्यारह प्लस रूट सात ठीक है देखिए
तो रूट ग्यारह से रूट ग्यारह में गुना करेंगे तो ग्यारह, रूट ग्यारह से रूट सात में तो पहो प्लस यो प्लस, तो ग्यारह से दे रूट में सतहत्तर, और माइनस और ई प्लस तो माइनस, रूट सात से रूट ग्यारह में ग्यारह से दे सतहत्तर, माइनस और प्लस माइनस, रूट सात से रूट सात में सात। पहले क्या किए, इस रूट ग्यारह से दोनों में गुना किए, रूट ग्यारह से रूट ग्यारह में ग्यारह, रूट ग्यारह से सात रूट सात में सतहत्तर, ये माइनस रूट सात से प्लस रूट ग्यारह में, माइनस प्लस माइनस, रूट सात से ग्यारह में करेंगे रूट ग्यारह में, ग्यारह से सतहत्तर, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, रूट सात से रूट सात में सात है ना होगा। अब देखिए ये प्लस माइनस कट गया, ग्यारह माइनस सात चार ना आ जाएगा, आ ना आएगा चार, तो वही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए इसको मिटाते हैं, हम लोग सीखते हैं क्या हरों का परिमेयकरण। अगर मान लीजिए कि सुनी 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 रूट दो प्लस रूट पांच है, हमें रूट तीन प्लस रूट सात है, कोई फॉर्मूला लगेगा इसमें, कोई फॉर्मूला लगेगा, यहां लिखना पड़ेगा आप लोगों, चूंकि चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं यहाँ ए माइनस बी लगेगा, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, इसमें रूट दो है रूट तीन नहीं, गुना कीजिए ये रूट दो से दोनों में, रूट दो से ये रूट तीन प्लस रूट सात में, प्लस रूट पांच से ये रूट तीन प्लस रूट सात में, आइए गुना करते हैं, रूट दो को रूट तीन से द्वितीय छह अलग रहना है, रूट दो को रूट सात से रूट दो सत्य चौदह, रूट पांच को रूट तीन से पांच तिहाय पंद्रह, रूट पांच को रूट सात से रूट पैंतीस, कोई एक जाति का नहीं है, मैं तो इतना ही पर छोड़ देंगे इसको, कोई एक जाति का नहीं है इतना ही पे छोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत समझ आया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं हरों का परिमेयकरण, एक दो क्वेश्चन करेंगे उस पर सवाल बताइए जाएगा, हल्का हल्का टॉपिक है। चलिए आइए हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरा सीखिए, आइए ध्यान से। चलिए एक बटा रूट दो है, हरों का परिमेयकरण करना है, तो सवाल देखिए अंश हर जानते हैं, अंश ऊपर हर नीचे, अंश ऊपर हर नीचे, क्या करेंगे हम लोग पहले सवाल का सवाल लिख देंगे, उसके बाद क्या करना है हर वाला से ऊपर नीचे दोनों गुना करना है, ऊपर भी गुना करेंगे नीचे भी गुना करेंगे, ई रूट दो से ऊपर भी रूट दो से नीचे भी, तो ऊपर पर गुना कीजिए रूट दो से एक में करेंगे रूट दो, आप रूट दो से रूट दो में करेंगे तो दू, समझ में आया, आइए गौर सवाल लेते हैं, एक बटा रूट तीन, पहले सवाल का सवाल उतारिए, हरों का परिमेयकरण हर क्या है रूट तीन, रूट तीन से ऊपर भी गुना कीजिए रूट तीन से नीचे भी गुना कीजिए, अब ये एक और रूट तीन का गुना कीजिए क्या होगा रूट तीन ना होगा, और रूट तीन को रूट तीन से गुना करें कितना होगा तीन। आइए अगला सवाल लीजिए दो बटा रूट पांच, तो सवाल का सवाल लिखिए दो बटा रूट पांच, अब रूट पांच से ऊपर भी गुना कीजिए और रूट पांच से नीचे भी, अब दो से रूट पांच में करेंगे तो दो रूट पांच, अब बटा में रूट पांच से पांच, कोई दिक्कत। आइए अगला टर्म कुछ चेंज करते हैं, एक बटा दो प्लस रूट तीन, एक बटा दो प्लस रूट तीन, आइए क्या करेंगे एक बटा दो प्लस रूट तीन को यही लिख लेंगे, अब क्या करना है इससे ऊपर नीचे गुना करना है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो दो माइनस रूट तीन, यहां भी दो माइनस रूट तीन, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, आइए गुना करते हैं, एक से इसमें करेंगे तो वही रह जाएगा दो माइनस रूट तीन, अब यहां देखिए गुना करना है इसको दो प्लस रूट तीन इंटू दो माइनस रूट तीन को, ठीक है, गुना करना है इसको इसको, फॉर्मूला याद आया, इसमें भी दो इसमें भी दो इसमें रूट तीन इसमें रूट तीन, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, फॉर्मूला क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, देखिए यह तो क्या लगा देंगे यहाँ तो ऊपर तो जो रहा है वैसे लिख देंगे दो माइनस रूट तीन बटा में दो का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में रूट तीन का स्क्वायर कर देंगे, अभी हो जाएगा दो दो माइनस रूट तीन ऊपर और नीचे दो का स्क्वायर चार और माइनस रूट तीन का स्क्वायर तीन, तो इधर चार में से एक वही रख दिए दो माइनस रूट तीन और चार में से तीन गया एक ना, अब इस फाइनल आंसर हो गया दो माइनस रूट तीन, आया समझ में, बढ़िया से इसी प्रकार के सवाल रहेंगे, ठीक है, माइनस रहेगा प्लस करेंगे प्लस रहेगा माइनस करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ये कहाँ कौन फॉर्मूला यूज होने ला, नहीं तो गुना करके भी ला सकते हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ करके नोट कीजिए और हम लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, चलते हैं इसके एक्सरसाइज सोल्यूशन पे, ठीक है, अगला वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।